इसमें जो है ना काफी स्टाइलिश लुक आता है 100 सीसी से। हालांकि एवरेज की बात करें तो भाई ये जो है आपको इस समय अगर मैं हीरो की स्प्लेंडर से बात करूं तो उससे अच्छा एवरेज इसके अंदर निकल करके आ जाता है। क्यों आता है वो भी बताऊंगा, लेकिन इसकी एक अंदर से एक खास बात आप जान लीजिए कि ये खास बात और कोई भी गाड़ी 110 सीसी में नहीं देती, जो बजाज ने पेटेंट करवा रखा है। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। पेस है प्लैटिना 110 सीसी कंफर्ट वाली। जी हाँ गाइस, इसका आगे का वीडियो भी आएगा जिसमें 100 सीसी वाले में भी हम अंतर बताएंगे कि कौन सी है आपके लिए बेस्ट। वैसे तो प्लैटिना ही है बेस्ट, चाहे 100 सीसी में जाए चाहे 110 सीसी में जाए। फिलहाल अभी आप 110 सीसी के बारे में जानना चाह रहे थे, मैंने ये वीडियो खास आप लोग के लिए बनाया है। भाई रोड पे बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है वीडियो बनाने के बाद में। तो यहाँ पे आपको सामने से लुक कुछ इस तरह का दिख जाता है गाइज। और जी हाँ, इसका कार्बोरेटर वाला सिस्टम, कहने का मतलब है ना कि अगर दो बूंद तेल है तो भी आपका चलेगा, तेल एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। वो वाली खूबी इसके अंदर कंपनी ने दे रखी है अभी भी आपको, हर मध्यवर्गीय परिवार वाले लोगों को ये बाइक खरीदने के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए 80-117 का इसमें आपको फ्रंट टायर मिल जाता है, ये भी अच्छी चीज है। रिफ्लेक्टर मिलता है, दोनों ब्रेक साथ में काम करते हैं दबाने पर, अगला और पिछला, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जिसे कहते हैं, ठीक है। और काफी सॉलिड और सीट के साथ में हाइट लेंथ में भी काफी अच्छी आ जाती है। तो मैं एवरेज की बात कर रहा था, तो देखिए एवरेज का क्या सीन है कि एफआई वाले में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल मेंटेन रखना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अब आपको इसमें 1.5 लीटर नहीं, 1.5 लीटर भी आप खत्म कर देंगे तो भी ये गाड़ी जो है आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाली कि उसका फ्यूल पंप खराब हो जाएगा। फिलहाल आपको इतना तो मैं बता दूं, ये भी 80-117 का पीछे टायर आपको दिया हुआ है। मैक्स पावर की बात करें तो 8.48 BHP का आ जाता है 7000 RPM पर, और इसमें आपको मैक्स टॉर्क मिलता है 9.81 Nm का टॉर्क मिलता है 5000 RPM पे। पीछे की टेल लाइट देख रहे हैं, ये भी अच्छी है, और टर्न इंडिकेटर वो भी अच्छा है जो कि काफी स्टाइलिश है। 100 सीसी वाले में नॉर्मल आता है देखने को। यहाँ पे रबड़ की पेटिंग दी गई है, यहाँ पे जो है नाइट्रोक्स सस्पेंशन दिए गए हैं आपको देखने को मिल रहा है। ये नाइट्रोक्स सस्पेंशन आपको 100 सीसी वाले में नहीं देखने को मिलेंगे फिलहाल, ठीक है। 110 सीसी है, 5 गियर के साथ में आती है गाइज इसके अंदर। और ये मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है 11 लीटर का फ्यूल टैंक रिजर्व में, 2 लीटर फ्यूल इसमें आता है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये 119 केजी की बाइक है। जी हाँ, बाइक काफी अच्छी है, एवरेज अच्छा निकालती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सामने से कुछ इस प्रकार से आपका। मैं इस समय यूनाइटेड बजाज प्रयागराज में हूँ, और जो लोग प्रयागराज से देख रहे हैं या आगे भी कभी भी देखेंगे तो प्लीज बता दीजिएगा कि हाँ भाई मैंने आपका वीडियो प्रयागराज से देखा। मैं हूँ प्रयागराज के ही शोरूम, ठीक है, वहीं से, जो कि यूनाइटेड बजाज का शोरूम है। और ये बाइक है आपके सामने, इसका एक दूसरा कलर भी यहाँ पे खड़ा है साइड में, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल अभी आप जो गाड़ी के बारे में मैं बता रहा हूँ वो सुन लीजिए कि 130 mm का पिछला ड्रम ब्रेक आता है, और आगे जो आता है 110 mm का रियर में आता है, ठीक है, जो कि काफी अच्छे आते हैं। और ये देख रहे हैं नॉब दिया गया है इसका रिजर्व के लिए, अप एंड डाउन के लिए, तो जाहिर सी बात है इसमें फ्यूल वाली इंजेक्शन वाली बाइक नहीं है, मतलब ये एफआई पंप वाला। ये प्लास्टिक का दिया है चैन कवर, ठीक है, मतलब कि जो कार्बन फाइबर आता है उसी में दिया है। अच्छी क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी सी बाइक अच्छी हो गई है, चैन वाला वो सिस्टम नहीं कि हाँ भाई खराब हो गया कट रहा है ये सा। दूसरी गाड़ी ये है 110 सीसी आपके सामने दोस्तों, जो कि काफी अच्छी लग रही है। दोनों ही कलर मुझे दिखाने थे आपको, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगती है ये भी जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉल डिटेल वगैरह स्क्रीन पे आ रही होगी यहाँ की एजेंसी की, तो प्लीज आप उनसे संपर्क कर सकते हैं गाड़ी परचेस करने के लिए, क्योंकि नियर बाय बहुत सारी त्योहार वगैरह आ रहे हैं, गाड़ी गिफ्ट करने के लिए आ रहे हैं तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अतुल को इजाजत। टिल देन गुड बाय, जहां रहिए सेफ रहिए एंड मस्त सेफ ड्राइव करिए। बाय बाय।